जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग फिर से एक बार एलिस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट में जिसको हम लोग एलिस्टोन टेक्सटाइल्स के नाम से जानते हैं। आज साल का अंतिम ट्रेडिंग सेशन था। अंतिम ट्रेडिंग सेशन के दौरान इस स्टॉक ने जो धमाल मचाया है, मजा आ गया। मैं आगे आपको चार्ट पर बताऊंगा। पिछली बार जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि बहुत जल्द ये स्टॉक 1 रुपये के लेवल को क्रॉस करने जा रहा है, और देखिए 1 रुपये के लेवल को बहुत तेजी क्रॉस कर गया। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको BSE इंडिया की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आपको देखकर खुशी होगी कि आखिर इस स्टॉक में ऐसा क्या चल रहा है, लग रहा है कि इसके पुराने दिन मतलब अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक है पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो अपर सर्किट में आपको चलते हुए दिख रहा है। यहाँ 22 दिसंबर से देखिए लगभग लगातार इस स्टॉक में अपर सर्किट में क्या होता है कि स्टॉक में लगातार तेजी ही देखने को मिलती है, धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जाता है। एक दिन भी 22 दिसंबर के बाद देखेंगे तो इस स्टॉक में लोअर सर्किट आपको लगते हुए नहीं दिखा, और अभी नजदीक के दिनों में इसमें लोअर सर्किट लगते हुए भी लगने भी नहीं जा रहा है। क्योंकि इस स्टॉक में देखिए, काम जो कंपनी करती है, काम बदल चुका, और जो कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है उसके बदलत कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी ही तेजी रहेगी। गिरावट आने के चांसेस अब बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए मैं इसकी इस कंपनी के ऊपर लगातार अपने चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ और आप सबको अपडेट कर रहा हूँ कि एलिस्टोन टेक्सटाइल्स जो कंपनी है, एलिस्टोन टेक्सटाइल्स आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, नहीं है तो प्लीज ऐड कीजिए सही समय देखकर। हालांकि सही समय क्या होगा, अभी जो लोग फिर से अभी तक बाई नहीं कर पाए हैं उनको मैं इस वीडियो में चार्ट पर बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से एलिस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को एक बार शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इस स्टॉक में क्या हुआ और अभी क्या होना बाकी है, और जो लोग छूट गए हैं, जो लोग अभी तक एंट्री नहीं ले पाए हैं या जिनका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। काम के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी काम करते हैं टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करते हैं, और मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ टेक्सटाइल एक लीडिंग सेक्टर है। आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर और भी बूम करने वाला है भारत में। अभी तो अब जाकर टेक्सटाइल का समय आया है भारत में, और ओवरऑल विश्व में सबसे नंबर वन भारत बनेगा टेक्सटाइल के मामले में। अब देखिए, ये आज देखेंगे यहाँ पर तेजी, जैसे मैंने बताया 5% की तेजी ये जो देखने को मिला अपर सर्किट के बदौलत देखने को मिला, और ये तेजी लगता है अब आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक तो हो गया काम के बदौलत जो कंपनी काम करती है, दूसरे कंपनी का फंडामेंटल भी आपको ओवरऑल देखेंगे तो मतलब बहुत खराब इसको नहीं कर सकते। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल भी जिस प्रकार से कंपनी का मार्केट कैप जितनी छोटी कंपनी उसके हिसाब से ठीक है, तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और पीई देखेंगे तो सिर्फ 8.40, यानी कि इतना कम पीई सामान्यतः छोटे स्टॉक में नहीं होता, पीई काफ़ी महंगा होता है। और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ठीक है, और बाकी जो हम चार्ट पर समझेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठाना है। बुक वैल्यू के बराबर है शेयर प्राइस, यह भी बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिटर्न निगेटिव देख सकता है, लेकिन चूंकि अब इस स्टॉक में लगातार ऊपर सर्किट लगने लगा है, तेजी का समय आगे इस स्टॉक में लगातार तेजी आपको देखने को मिली इस स्टॉक में, तो जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो यह इसकी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी आपको जो पहले तो 1% के आसपास माइनस मिलता है, अभी कम होकर 35% 0.35% आया, और भी कम होकर 0 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में आ जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। आपका यदि इन्वेस्टमेंट है तो आप इस पर पैसा छापेंगे ही छापेंगे। जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो लोग इस लेवल के आसपास उठाए होंगे, तो पैसा इसमें छाप ही रहे होंगे। देखिए, मैंने जब पिछली बार इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो एक कल के चार्ट पर आपको मैंने स्पष्ट बताया था कि ये आप जो लेवल है 1 रुपये का लेवल, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय से इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन है जो 50 पैसे से लेकर 1 रुपये के बीच में कंसोलिडेट किया था, और आप सभी जानते हैं कि जैसे स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था तो उसके बाद उसमें एक लंबा ब्रेकआउट होता ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस स्टॉक का ब्रेकआउट हो गया है, ये जो लेवल है इससे ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस निकल गया है, 1 रुपये के ऊपर आ गया है, और ये अब स्पष्ट कम से कम आपको 1.5-2 रुपये के लेवल तक इजिली इस शेयर प्राइस जाते हुए दिखेगा। एक सांस में बिना रुके हुए इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको जल्द ही आपको 1 रुपये तक 2 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि अब चढ़ती हुई गाड़ी में एंट्री नहीं लेना है। मैंने स्पष्ट बताया था पिछले बार जब वीडियो बनाया था कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे आप लोग बाइक कर लीजिएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पर एकदम 1 रुपये के लेवल पास उठाया होगा उनके लिए तो बल्ले बल्ले, वो भी मजा में रहेंगे, या जिनके पास पहले से भी इसमें इन्वेस्टमेंट होगा वो भी मजे में रहेंगे। आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दे सकते हैं, बाकी नए लोग अभी एंट्री मत लीजिए। आप देखिए कि ये प्राइस अभी कहाँ तक लगातार ऊपर जा रहा है, जहाँ तक कोई ये प्राइस ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने दीजिए, और ऊपर जाने के बाद जहाँ से प्राइस डाउन आने लगेगा और डाउन आके फिर ऊपर उठेगा आप वहीं पर एंट्री ले लीजिएगा। क्योंकि थोड़ी सी कोई भी स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जाता है ब्रेकआउट के बाद तो वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने नीचे आता है, और जैसे वो नीचे आएगा और नीचे आकर रुकने लगेगा वहीं पर आप एंट्री ले लीजिएगा। तो ये तो होगी कहाँ पर नए लोगों को उठाना है। बाकी फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ चार्ट के माध्यम से भी और कंपनी का जो काम और जो फंडामेंटल है उसके बदौलत भी स्टॉक में अभी तेजी बने रहने के आसार हैं। इसलिए आपको मैंने जो लेवल दिए हैं उसी लेवल पे आपको काम करना है।
अब थोड़े से हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर लें, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से पता लगता है कि लॉन्ग टर्म कंपनी का जो तेजी है वो कैसा रहेगा। तो सेल्स देखिए, आपको पता है कि सेल्स जून क्वार्टर में 4.85 लाख पे हुआ था, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि अपडेटेड नहीं। अभी देखिए, अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाले, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने दीजिए, उसमें आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है ना, ये 4.85 लाख से भी ज़्यादा होगा, कम से कम 5 लाख प्लस ही होगा। और देखिए इसके बदलो देखेंगे कंपनी का जो खर्चा है, खर्चा भी बहुत कम है। खर्चा देखिए, ये बहुत जरूरी है कि औकात से खर्चा कम हो तब जाके कंपनी प्रॉफिट में रहती है। यहाँ पे यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में कंपनी इस बार 1.47 लाख के आसपास प्रॉफिट में आई थी। और ये अभी जैसे मैंने कहा कि दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट आने दिए, दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट 2 करोड़ प्लस पॉजिटिव में होगा। इसलिए जो जो फंडामेंटल बेहतर हो रहा है और कंपनी का जो काम करती है कंपनी, उसके बदौलत भी उस जब हम जानते हैं कि उसका डिमांड भी फ्यूचर में रहेगा, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो एलेस्टोन टेक्सटाइल्स में देखिए अभी तक तो ऐसी भी कोई भी चीज़ निगेटिव मुझे नहीं लगी, या ना ही कोई इसमें निगेटिव न्यूज आई है। इसलिए अभी तक क्या लंबी अवधि में भी ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से ओवरऑल बेहतर है, बढ़िया है। तो मैंने आसान भाषा में इस स्टॉक को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बात करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।